नमस्कार, स्वागत है आपका। और आईपीएल सीजन 17 शुरू होने जा रहा है और पहला मैच यहां पर सीएसके वर्सेस आरसीबी होने वाला है, तो मैच के बारे में तो हम सब बात करते ही हैं, लेकिन हर सीजन हम आईपीएल में फैंटेसी 11 के बारे में बात करते हैं और हर साल मैं आपको बताता हूं फैंटेसी 11 क्या पिक करनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि जैसे क्रिकेट में हर पोजीशन में खिलाड़ी स्पेशलाइज्ड होता है, उसी तरीके से फैंटेसी क्रिकेट टीम पिक करने के लिए भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड फैंटेसी गुरु होना चाहिए। भाई जैसे क्रिकेट में राजगुरु आते हैं, उसी तरीके से फैंटेसी में भी एक फैंटेसी गुरु आएंगे। और आपको मैं ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूं, जी हाँ, जैसे मोदी जी की गारंटी होती है ना देश के लिए, उसी तरीके से फैंटेसी क्रिकेट में गारंटी है यहाँ पर कि आप सूद समेत कमाएंगे, क्योंकि आपके साथ रोजाना होंगे माधव सूद, जो खुद कमाते हैं सूद समेत। है माधव, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और आपको एक और डिटेल में बता दूं कि रोजाना मैं आपको सुबह सुबह 8 बजे जो है एक टीम में आपको दे दूंगा फैंटेसी की, जो आप 6-7 टीमें बनाते हैं उनमें से एक टीम आप बना सकते हैं, और उसके बाद दोपहर को 1 से 2 के बीच जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, माधव डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या टीम और क्यों कैसी पिक करनी चाहिए, और शाम को टॉस के तुरंत बाद माधव फिर हमारे साथ होंगे और ये फैंटेसी गुरु आपको बताएंगे क्या चेंजेस आपको करने हैं कि जिससे कि आप खूब जीत सके। ये खुद मालामाल है, देखने में बड़े ऐसे रहते हैं चुपचाप, जिससे कि किसी को पता ना पड़े ये करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, और जो है रोज फैंटेसी की टीम में जो है ये कितने सटीक यहाँ पर टीमें बनाते हैं ये किसी को बताते नहीं, बड़ा ढूंढ के निकाला है मैंने इस हीरे को। तो हीरा चमकेगा, हम भी चमकेंगे, आप भी चमकेंगे, थोड़ी जेब भी गर्म होगी। तो थोड़ा सा बता दो, खूब बात करेंगे हम इसके बारे में। मानो कल जो है टीम जो है आज मैं बोलूँ क्या फैंटेसी 11 बनाई जाए। आज सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच है, आईपीएल त्योहार शुरू हो चुका है क्रिकेट का, हम सबको जिसका पूरे साल इंतजार रहता है। बिल्कुल, पहला मैच चेपॉक में रहेगा, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में, दोनों फैन फेवरेट टीम्स हैं। अगर आप फैंटेसी की बात करें, विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक के 2 पिक रहते हैं, दोनों ही फैंटेसी वैल्यू कुछ खास ऐड नहीं करते हैं, तो जो बैटिंग फर्स्ट आए या आपको लगे आप उसे पिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने दिनेश कार्तिक को पिक किया है। तो बैटिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन है विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डू प्लेसी। विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन शिखर धवन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट विराट कोहली के हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है जो उनको पसंद है, तो विराट कोहली एक स्ट्रेट पिक आ जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे फॉर्म में, चेपॉक में इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है और आरसीबी के अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो एकदम एक स्ट्रेट पिक रहते हैं। फाफ डू प्लेसी अगेन ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाली बात है, और पुराने होम ग्राउंड पे खेलेंगे, तो पिछले साल अच्छा नहीं किया था बट उम्मीद रहेगी कि इस साल अपना बदला लेंगे। उसके अलावा शिवम दुबे अगर बैटिंग फर्स्ट आते हैं तो शिवम दुबे के पास ज्यादा चांस रहता है, तो एक स्ट्रेट पिक आ जाते हैं, बिकॉज आरसीबी की बॉलिंग कुछ खास अच्छी नहीं है और शिवम दुबे को कोई खास थ्रेट नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत अच्छे वैल्यू और पॉइंट ऐड कर पाएंगे। उसके अलावा अभी के लिए हम किसी को पिक नहीं करेंगे, रहाने ऑप्शन है अगर आप लेना चाहें तो। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल ऑब्वियसली स्ट्रेट पिक है, हालांकि कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और रविंद्र जडेजा बहुत ही ज़्यादा थ्रेटफुल उनके लिए रहते हैं हमेशा से, और बट फिर भी आपको डिफॉल्ट पिक है, टीम में लेना ही पड़ेगा। फिर रविंद्र जडेजा आते हैं जिनका सबसे अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस आरसीबी के अगेंस्ट आता है, 26 विकेट्स वो ले चुके हैं और बैटिंग के साथ भी अच्छी खासी वैल्यू एड ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि धोनी खुद को प्रमोट नहीं करते हैं, जडेजा ऊपर बैटिंग करने आते हैं। उसके अलावा कैमरन ग्रीन है जो कुछ खास वैल्यू अभी ऐड नहीं करेंगे अगर मिडल ऑर्डर में आते हैं, और बॉलिंग के चांसेस बहुत कम है। डेविन कॉनवे की अनअवेलेबिलिटी में रचिन रविंद्र ओपन कर सकते हैं, तो इन पे आप डिस्कस कर सकते हैं, शायद हमारी टीम में आ जाएं, अभी के लिए हम इन्हें भी पिक नहीं करेंगे। मोइन अली अगर बॉलिंग करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है, चेन्नई ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक है, ज़्यादा रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो मोइन अली उस केस में टीम में आ जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में फिलहाल स्ट्रेट पिक रहेंगे महेश तीक्ष्णा, उसके अलावा चेपॉक पे मैच है, दीपक चहर फुली फिट रहते हैं तो टीम में आ जाएंगे, पर इनके एक रिस्क ये फैक्टर है कि अगर तो चले तो 3-4 विकेट स्टार्टिंग में ले देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर डेथ में बॉलिंग डालने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। बैटिंग फर्स्ट अगर सीएसके आती है तो शार्दुल ठाकुर एक अच्छे पिक रहेंगे, शार्दुल ठाकुर या तो विकेट लेते हैं या फिर या तो 2-2, 3-3 विकेट ले लेंगे या एक भी नहीं लेंगे, तो उस केस में एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक शार्दुल ठाकुर बन जाते हैं, जो या तो 100 पॉइंट दे देंगे या फिर 0। और उसके अलावा आरसीबी के पास फॉरेन बॉलर में रीस टॉपली या अल्जारी जोसेफ खेलेंगे, बहुत ही हाई वैल्यू पे अल्जारी जोसेफ को पिक किया है तो उनको खिलाना चाहिए, ऑल्दो रीस टॉपली ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं विद द लेफ्ट आर्म पेस और उधर ऋतुराज गायकवाड़ को परेशान भी कर सकते हैं। उसके अलावा तुषार देशपांडे पिछले साल बहुत रन खाए हैं,
आई थिंक अगर ऑरेंज कैप होती रन खाने में तो वो टॉप 2-3 में वो भी थे, बट उसके साथ साथ विकेट्स भी बहुत ली हैं। तो अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है सीएसके और तुषार देशपांडे डेथ ओवर्स में आते हैं तो एक स्ट्रेट पिक है, हाई रिस्क उस पर भी है, आप उन्हें जरूर पिक कीजिए। अगर सर कुछ कैप्टेंसी ऑप्शंस की आप बात करें तो विराट कोहली स्ट्रेट अवे कैप्टन करने के लिए, रविंद्र जडेजा बैटिंग फर्स्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं कैप्टन के लिए, 4 ओवर डालेंगे और नंबर 5 या नंबर 6 पे बैटिंग करने भी आएंगे, 30-40 पॉइंट वहां से दे देंगे, 2 विकेट ले ले तो 100 पॉइंट आराम से दे देंगे। ऋतुराज गायकवाड़ चेजिंग, अगर चेज पे सीएसके आती है तो गायकवाड़ एक बहुत ही अच्छे पिक रहेंगे। इन केस अगर रचिन को हम पिक करते हैं तो रचिन रविंद्र एक रिस्की मिनी जेल या आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि स्लो सर्विस में स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं और चांसेस हैं बिकॉज आरसीबी की बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या बनाइए अपने 11? अभी के लिए हम 9 प्लेयर्स को पिक करेंगे, बाकी 2 प्लेयर टॉस के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ओके, तो 9 प्लेयर क्या है आपके अभी बेस टीम? हाँ। वो तो हम दिखा देंगे ना सर, यहीं पे रोक के स्क्रीन रिकॉर्ड ये। अच्छा जी, फिर भी आपने क्या बनाया अभी सुन लेना, अब सुन रहे अभी तो दोपहर को जब आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी आपने क्या बनाया पहले बैटिंग विकेट कीपिंग सेक्शन में दिनेश कार्तिक आ जाएंगे, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डू प्लेसी डिफॉल्ट रहेंगे। अगर सीएसके बैटिंग फर्स्ट आती है तो दुबे टीम में आ जाएंगे, रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल और मोइन अली ऑलराउंडर सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में फिलहाल मैंने अल्जारी जोसेफ और तीक्ष्णा को लिया है। अगर आरसीबी बॉलिंग फर्स्ट आती है तो मोहम्मद सिराज, क्योंकि डन में बोल डालते हैं तो डिफॉल्ट अंदर आ जाएंगे। अगर बॉलिंग सेकंड आरसीबी रहती है तो सिराज को भी हम ड्रॉप करके दीपक चाहर को पिक कर लेंगे, क्योंकि स्विंग रहेगी स्टार्टिंग में, हो सकता है 2-3 विकेट ले लें। तो ये अभी के लिए टीम रहेगी और कैप्टन हमने किया है रविंद्र जडेजा को और वाइस कैप्टन अभी के लिए विराट कोहली है, बाकी आफ्टर द टॉस विद कंडीशन इसमें चेंजेस करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, आप सबको भी बता देंगे। फेवरेट कौन है जितने भी? अपने घर पे खेल रही है, लास्ट बार आरसीबी ने चेन्नई को 2008 में हराया था चेन्नई में, तो ऑब्वियसली चेन्नई के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। हाई स्कोरर ऋतुराज गायकवाड़ के रहने के चांसेस है। इनके सीएसके चेजिंग, अगर बैटिंग फर्स्ट आरसीबी आती है तो विराट कोहली के पास भी बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि कब ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे बातें भी चल रही हैं उनको लेकर, तो शेर भूखा है तो चांसेस है कि वो भी बहुत ज्यादा आक्रोश में रहेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो गायकवाड़ बॉलिंग फर्स्ट, तुषार देशपांडे, रविंद्र जडेजा दोनों और महेश तीक्ष्णा हो सकता है कि अगर बाद में बॉलिंग करने आते हैं तो 2-3 विकेट लेके जा सकते हैं, बिकॉज थ्रेट रहेंगे डुप्लेसी के लिए, मैक्सवेल के लिए, तीक्ष्णा भी उतना ही जितना जडेजा रहेंगे। ठीक है, तो दोपहर को 1-2 के बीच दोबारा यहाँ पर हमारे फैंटेसी गुरु महेश माधव सूद आपसे दोबारा मिलेंगे, और सूद समेत कमाना है तो माधव सूद के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये है हमारे फैंटेसी गुरु, और दोपहर को फैंटेसी गुरु आपको पूरे डिटेल में बताएंगे और टॉस के बाद जो चेंजेस कुछ रखे हुए हैं माधव में वो हम टॉस के बाद बताएंगे, है ना? तो 11 के बाद लाइनअप बिल्कुल, और मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मैं माधव सूद की जो टीम होगी फैंटेसी 11 वो मैं पोस्ट करूंगा अपने ट्विटर हैंडल @समीपराजगुरु में, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और साथ में इंडिया टीवी क्रिकेट को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच माधव, अभी के लिए रोजाना आपसे मुलाकात होगी, ऐसे ही यंगस्टर है और यंगस्टर्स को आपको पता है आजकल यंगस्टर्स का जोर चल रहा है और टीम इंडिया भी यंगस्टर्स के कंधों में चढ़कर जो है नई ऊंचाइयां छू रही है। थैंक यू सो मच।